कानपुर के एक पूर्व छात्र ने तैयार किया था। आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव होता दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने को कहा है। अपनी चिट्ठी में डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक को फ्लॉप योजना करार दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केजरीवाल की फ्री हेल्थ स्कीम के दावे को झूठा बताया। दूसरी तरफ हर्षवर्धन की इस चिट्ठी से खफा आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए पूछा है कि अगर आयुष्मान योजना इतनी बेहतर है तो हरियाणा और यूपी के मरीज दिल्ली में आकर अपना इलाज क्यों कराते हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हर्षवर्धन ने एक लेटर लिखकर फिर से आयुष्मान योजना को लागू करने की बात कही है और साथ ही कहा है कि जिस आइडिया की बात कर रही है, फ्री स्वास्थ्य स्कीम की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, वो 1.5 साल से अटका हुआ है। इस पर क्या कहें? देखिए, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री करीब 5 साल से हैं, अब एकदम वो ये बहस छेड़ रहे हैं। इसके अंदर एक बात सोचिए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राज्य में आयुष्मान भारत स्कीम वहाँ पे चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। हमारे दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, खास तौर पे जो बॉर्डर्स पे हैं, उनमें आधे से ज़्यादा लोग यूपी और हरियाणा से इलाज कराने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इतनी अच्छी अगर सेवाएँ दे रही है यूपी सरकार और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की आयुष्मान स्कीम इतनी हिट है, तो ये लोग क्यों आ रहे हैं? हर्षवर्धन जी इसका जवाब देते हैं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत स्कीम जो है एक कागजों वाली स्कीम, सरकारी अस्पतालों के अंदर मुफ्त इलाज हो रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में तो वैसे ही मुफ्त इलाज होता है, उसमें आयुष्मान भारत के थ्रू क्यों जाना है? प्राइवेट अस्पताल आ नहीं रहे उसके एम्बिट में, तो ये जो स्कीम है इसको दोबारा सोचना चाहिए, थोड़े बेहतर तरीके से लाना चाहिए। सब अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे? स्टेट चाहेंगे, स्टेट्स आ जाए स्कीम। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में जाकर मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए रोड शो निकाला, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी 3 दिन के केरल दौरे पर हैं, जहां दूसरे दिन राहुल गांधी ने वायनाड की जनता का आभार जताने के लिए एक रोड शो निकाला, जहां लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। रोड शो में राहुल गांधी एक बड़े ट्रक पर सवार दिखे और उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का धन्यवाद किया। वहीं रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखी, कुछ लोगों के हाथों में कांग्रेस का झंडा दिखा, तो जबकि कुछ लोग राहुल गांधी के पोस्टर लेकर चलते हुए नजर आए, जिस पर वी आर विद यू लिखा था। इस दौरान रोड शो में शामिल लोगों ने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। रोड शो में एक आदमी कांग्रेस के झंडे से बने कपड़ों को पहने दिखा, यही नहीं, आदमी के सिर पर भगवा रंग का कपड़ा भी बंधा नजर आया, जबकि उसके हाथों में कांग्रेस का एक बड़ा झंडा भी दिखाई दिया। वहीं जिन रास्तों से राहुल गांधी का रोड शो गुजरा, वहां सड़क किनारे लोगों की भीड़ अपने नेता की झलक पाने के लिए खड़ी दिखाई दी, जिसमें महिलाएं और स्कूल ड्रेस पहने लड़कियां भी नजर आईं। वहीं रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ से राहुल गांधी गदगद नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने वायनाड की जनता को धन्यवाद किया और उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उन पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पीएम मोदी पर राहुल गांधी के हमले के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधने में जरा भी देर नहीं की। अब वायनाड के लोग भी जो है वो जो सुर्ख बाग दिखाने गए हैं, वो सुर्ख बाग भी जो है वो देख करके जो है वो समझ जाएंगे कि इनके सब्ज बाग और सुर्ख बाग के पीछे क्या मंशा और मकसद है। मालदीव से पीएम मोदी आज श्रीलंका के एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्रीलंका में ईस्टर पर हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद श्रीलंका जाने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं। इस दौरान पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। श्रीलंका से लौटते हुए पीएम मोदी आज तिरुपति के बालाजी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक बच्ची की पिटाई के मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि टीएमसी के दो नेताओं ने वहां एक 6 साल के बच्चे की पिटाई कर दी थी।
वक्त इलाके के लोग भड़क गए और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की बल्कि शिकायत करने पहुंचे लोगों की ही पिटाई कर डाली। इस दौरान कई लोगों पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उन्हें थाने में बंद कर दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने आसपास के मकानों में घुसकर भी लोगों की पिटाई की जो अपने जख्म दिखाते नजर आए। आरोप है कि इसी बीच दोनों आरोपी टीएमसी नेताओं ने वहां देसी बम से हमला कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक दो धमाके हुए। इन धमाकों से वहां दहशत फैल गई और पुलिस वाले भी जान बचाकर भागते दिखे, जबकि इलाके के लोग इन धमाकों से और गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। हालात बिगड़ता देख पुलिस के आला अधिकारी भी और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हंगामा करने वाले लोगों की जमकर पिटाई की और कई लोगों को थाने में बंद कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी लोगों के पथराव में जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने कुछ देसी बम भी बरामद किए जिन्हें बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। चीन ने स्निफर डॉग यानी खोजी कुत्तों को आवाज के अलावा तरंगों से भी कमांड देने का दावा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग की पुलिस ने खोजी कुत्तों को अल्ट्रासाउंड तरंगों से कमांड देने का दावा किया और इस प्रयोग को पेटेंट करवाने के लिए चीन ने आवेदन भी कर दिया। असल में अल्ट्रासाउंड तरंगें इंसानों को नहीं सुनाई देती, लेकिन कुत्ते इन सिग्नल्स को अच्छी तरह सुन और समझ सकते हैं। इसलिए चीन का दावा है कि खोजी कुत्तों को एक रिमोट के जरिए अल्ट्रासाउंड तरंगों से सिग्नल भेजकर संदिग्धों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। इसका एक मकसद ये भी है कि खोजी कुत्ते तक एक ही अफसर के साथ काम करते हुए उसकी आवाज़ के आदी हो जाते हैं और किसी दूसरे अफसर के आदेश का पालन नहीं करते। इसलिए इस तकनीक के जरिए चीन खोजी कुत्तों के इस्तेमाल की अलग रणनीति बना रहा है। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस के मुताबिक एक पार्टी के झंडे को उतारने के लिए वहां दोनों तरफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, लेकिन देखते देखते वहां हिंसा शुरू हो गई। दावा किया गया कि इस झड़प के दौरान टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि बीजेपी ने इस झड़प में अपने 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या किए जाने का दावा किया। Trinamool workers, along with under the leadership of Sheikh Sajjan and along with so many peoples, attacked upon the BJP workers and 4 peoples were killed, shot dead. महेंद्रगढ़ के एक बहु बुजुर्ग सास के साथ मारपीट करती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बहु घर के अंदर बूढ़ी सास को बुरी तरह से मारती पीटती दिखाई दी। इस वीडियो में नजर आया कि पहले बहू ने अपनी सास के बाल पकड़कर खींचे और फिर जोर जोर से सास के हाथ और पैरों को पटकने लगी। इस दौरान बुजुर्ग सास दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन बहू लगातार अपनी सास के साथ मारपीट करती दिखाई दी। इस घटना का वीडियो पास ही के घर में रहने वाली एक लड़की ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इसे वायरल कर दिया। जो मार रही थी वो मामी लगती है मेरी, और वो नानी को मार रही थी, वो काफी देर से मार रही थी, पर पहले मेरे को आइडिया नहीं आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, पर मैं बाद में एकदम से मेरे को माइंड में ब्लिंक हुआ तो फिर मैंने जाके वीडियो बनाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस वीडियो से जुड़ी जांच शुरू कर दी। पुलिस की टीम उस घर में पहुंची जहां बुजुर्ग महिला के साथ बहू ने मारपीट की थी। पुलिस ने बूढ़ी सास का बयान दर्ज किया और घर के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। आप गाड़ी में बैठो, मेडिकल कराऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है, किसी बुजुर्ग का मारपीट कर दे रहा, आप आराम से बैठे। हालांकि इस दौरान बूढ़ी सास के साथ मारपीट करने वाली महिला घर से फरार हो गई। वहीं इस मामले में घर के लोगों ने घटना के पीछे की वजह भी बताई। दादी माँ ने 2-3 बार लेट मेरे तो गुस्से आ गया था, उससे मेरी गलती, बाकी गलती नहीं होती। इस बीच पुलिस ने लोगों की मदद से बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इसके अलावा बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई के मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो महिला जिसने ये काम किया है, पिटाई की है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर पूरी जांच हो करके और उसके ऊपर जो एक्शन होगा लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी महिला को दिल्ली के वजीराबाद से गिरफ्तार किया। अपने आप से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे बहुत बड़ी गलती।